मदिरा की बिक्री के कार्य में नहीं लगाया जाएगा, ये तो हमारे आबकारी का अधिनियम है। और मैं बताना चाहता हूं कि जब हम किसी को भी लाइसेंस इशू करते हैं, चाहे वो बार का लाइसेंस इशू कर रहे हैं, चाहे वो दुकानों का लाइसेंस इशू कर रहे हैं, उसमें ये शर्त होती है जो अधिनियम में मैंने अभी आपको धारा 22 और धारा 23 अभी बताई है, उसमें ये शर्त लिखी होती है कि अगर आप इसका उल्लंघन करेंगे तो आपके ऊपर पेनल्टी भी होगी और आपका लाइसेंस कैंसिल भी होगा। इसके साथ ही साथ हमारे उत्तर प्रदेश में 402 क्षेत्र हैं जिनको हम लोगों ने आबकारी के, अगर हम डेफिनेशन में आपको बताएं तो हमने क्षेत्रों में डिवाइड कर रखा है उत्तर प्रदेश को, जहां पे हमारे इंस्पेक्टर्स तैनात होते हैं। ऐसे पूरे प्रदेश में 402 क्षेत्र हैं जहां हमारे 402 इंस्पेक्टर्स तैनात हैं, और उनका काम भी यही है, जो एनफोर्समेंट की टीमें हैं वो लगातार ये देखती रहती हैं कि क्या इन शर्तों का उल्लंघन तो नहीं हो रहा है। दूसरी चीज़, आपने आधार की बात करी कि आधार अनिवार्य करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। मैं माननीय सदस्य को ये बताना चाहता हूँ कि गजट नोटिफिकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का गजट नोटिफिकेशन है, जिसमें उन्होंने ये स्पष्ट किया है कि आधार कार्ड की अनिवार्यता कहाँ पे होनी चाहिए। मैं पढ़ देता हूँ आपको, जैसे स्पष्ट हो जाएगा। उन्होंने गजट नोटिफिकेशन में लिखा है बिल्कुल साफ तौर पर कि फॉर गुड गवर्नेंस एफिशिएंट एंड ट्रांसपेरेंट डिलीवरी ऑफ सब्सिडीज बेनिफिट एंड सर्विसेज, और जिसका खर्चा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, जो भारत सरकार की एक निधि है, उससे उसका पैसा लिया जाता है, और इन सर्विसेज में अगर उस पैसे का इस्तेमाल होता है, उसी कंडीशन में हम आधार को अनिवार्य करते हैं, उसके अलावा और किसी चीज़ में अनिवार्यता नहीं है। इसलिए मैंने ये उत्तर दिया है कि जो शराब की, जो मदिरा की क्रय विक्रय है, और वो इस अधिनियम में नहीं आती, अनिवार्यता के अधिनियम में नहीं आती है, इसलिए ये उचित नहीं है, विधि सम्मत नहीं है। श्री अभय सिंह प्रश्न के साथ। अरे दोनों बगल में बैठ के आप कारी पे पूछ रहे हो, आ गया आ गया। आपने आधार कार्ड पूछा था, उन्होंने कहा अनिवार्यता नहीं है, आ गया उत्तर, आ गया उसी का उत्तर आया। लेकर के क्या सरकार जो है उत्तर प्रदेश में भी शराब पर पाबंदी लगाने का काम करेगी, ये प्रश्न पूछा है मैंने। आ गया वो नहीं करेगी, आ गया उसको उत्तर, आपने इसका कहां जवाब है माननीय अध्यक्ष? बहुत सारी चीजें समझने वाली होती है। अध्यक्ष जी नहीं आया स्वामी जी, माननीय मंत्री, ये मूल प्रश्न से संबंधित नहीं है आपका, जो आप अनुपूरक पूछ रहे हैं, यही जो प्रश्न आप पूछ रहे हैं ये अभी दूसरे आपके सदस्य ने लगाया, तो मैं अभी उत्तर दे दूंगा। पूछिए श्री अभय सिंह। आदरणीय अध्यक्ष जी, आपने शराबबंदी जैसे महत्वपूर्ण प्रश्न को हमको पूछने का अवसर दिया, इसके लिए आपका बहुत आभारी हूं। अभी हमसे पूर्व भी स्वामी जी बोल रहे थे, उससे माननीय मंत्री जवाब दे रहे थे, ये बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है, संवेदनशील मुद्दा है। हम जब भी अपने कार्यालयों में बैठते हैं, दो चार महिलाएं रोज आती हैं, अपना दुखड़ा बताती हैं, अपनी परेशानी बताती हैं, किस तरीके से शराब पीने की वजह से उनके पति, उनके बच्चों के साथ हादसे हो रहे हैं, उनकी जमीनें बिक जा रही हैं। चलिए माननीय मंत्री ने बताया कि अगर शराब नहीं बेचेंगे तो धनाभाव हो जाएगा। हम ये आपसे पूछना चाहते हैं माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि आप ही के अनुसार गुजरात एक डेवलप स्टेट है, बिहार में भी आप ही जब सरकार शराब बंद हुई तो आपने सरकार शराब बंद कराई, तो अब आपकी डबल इंजन की सरकार है, इतना डेवलप स्टेट है, तब भी आपको धनाभाव आ रहा है कि उत्तर प्रदेश आप शराबबंदी नहीं कर रहे हैं? आप बंदी नहीं करना चाहते, कोई बात नहीं। अभी हमारी, हमने आप मंत्री जी की बात भी सुना कि 21 साल से कम उम्र के बच्चों को शराब पीने पे और बेचने पे रोक लगी हुई है। हम आपके बताना चाहते हैं, माननीय अध्यक्ष जी अवगत कराना चाहते हैं, बहुत दूर जाने की आवश्यकता नहीं है, इसी राजधानी में ही यहां से 6-7 किलोमीटर दूर होगा एक समिट बिल्डिंग है, हर बार में वहां पर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, पूरा वहां पर सीसीटीवी फुटेज है, रोज वहां पर देखा जा सकता है कि कम से कम 50 लड़के और लड़कियां जिनकी उम्र 20 साल से कम है जमीने पड़े रहते हैं, नाली पड़े रहते हैं। हम वहां की पुलिस को धन्यवाद देना चाहते हैं, बेचारी कम से कम रात 12 बजे 1 बजे 2 बजे तक उठा करके सबको सबके घर तक पहुंचाती है, ऐसी अनैतिक स्थितियां फैली हुई है सिर्फ शराब की वजह से। हम आपसे भी कहना चाहते हैं कि जिस तरीके से कि शराब की वजह से हमारा समाज खत्म हो रहा है, आप उसी बिल्डिंग जाकर दे सकते हैं, भारतीय संस्कृति तार तार हो रही है, मर्यादाएं भंग हो रही हैं, किस तरीके की स्थिति बनी हुई है जिसके बारे में टीवी बोल रहा है, अखबार बोल रहा है, लेकिन किसी आबकारी के अधिकारी को, किसी आबकारी विभाग को कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है किस तरीके से बच्चों को शराब परोसी जा रही है और बेची जा रही है वहां पर। हम आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहेंगे, हमारे दो अनुपूरक हैं और दोनों का जवाब दे दें एक ही बार क्योंकि समय कम है, कि क्या सरकार
20-21 साल से कम आयु के बच्चों को शराब देने वालों पर कानूनी कार्रवाई कराएगी? और दूसरा प्रश्न है कि सरकार 21 साल से कम उम्र के बच्चों के शराब बेचने पर जो मॉनिटरिंग की व्यवस्था है उस सीसीटीवी कैमरे के फुटेज को मंगाइए। सिर्फ एक ही जगह हमने उदाहरण दिया है, अगर आप देखेंगे बहुत जगह मिल जाएगा। तो उसमें अगर वो दोषी पाए जाते हैं सरकार उनके खिलाफ क्या कार्रवाई करेगी? माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष जी, चलिए जान के अच्छा लगा कि कम से कम समाजवादी पार्टी के लोगों को कम से कम अब चिंता हुई है, नहीं तो जब इनकी सरकार प्रदेश में थी तो पूरे जब इनकी सरकार प्रदेश में थी तो पूरे प्रदेश को शराब माफियाओं ने जकड़ रखा था। और उस वक्त जिस तरीके की घटनाएं उत्तर प्रदेश में हुई, और यहां तक कि मैं ये कहना चाहता हूं कि जब इनकी सरकार प्रदेश में थी तो जो पॉलिसी एक्साइज की बनती थी वो शराब माफिया बैठ के बनवाते थे और ये लोग उस पॉलिसी को बनाते थे, और पूरा प्रदेश उस वक्त जो मौतें हुई वो इनके कारण और इनकी पॉलिसीज के कारण हुआ। जो प्रश्न मेरे सामने आया है मैं उस पर जवाब देना चाहता हूँ, फिर अनुपूरक जो आपने पूछा है वो भी बता दूंगा मैं। इन्होंने कहा कि कितनी मौतों को कैसे रोका जाएगा। मैं आज आपके माध्यम से इस माननीय सदन को, जो उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ लोगों का प्रतिनिधित्व करता है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 2022 में जब आदरणीय योगी जी की दूसरी सरकार उत्तर प्रदेश में बनी, आज 2.25 वर्ष हो चुके हैं सरकार को बने हुए, 25 करोड़ की जनसंख्या में एक भी मौत उत्तर प्रदेश में कच्ची और नकली शराब पीने से नहीं हुई। एक भी मौत नहीं हुई है, एक भी घटना ऐसी नहीं हुई। अब जरा जवाब सुनिए। जिस तरीके से आबकारी विभाग ने प्रवर्तन की कार्रवाइयों को किया है, माफियाओं को बंद करने का काम किया है, और आज मैं ये कह सकता हूं सदन में खड़े होके कि 100% माफियाओं की कमर तोड़ने का अगर किसी ने काम किया है तो हमारी सरकार ने करने का काम उत्तर प्रदेश में। आपने दो अनुपूरक प्रश्न किए, एक तो 21 वर्ष की आयु से जो आप कहते हैं कि जो नौजवान है अगर उनको शराब परोसी जाएगी तो फिर क्या कार्रवाई होगी। मैंने अपने पहले जो स्वामी जी ने प्रश्न किया था मैंने उसमें जवाब में आपको पहले ही बता दिया है कि हमारे अधिनियम में धारा 22 और धारा 23 में प्रावधानित है, और अगर कोई इसका उल्लंघन करेगा तो उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी, उसका लाइसेंस भी कैंसिल किया जाएगा और उसको पेनल्टी भी लगेगी। दूसरा चीज, आपने सीसी फुटेज कैमरे की बात करी, तो हमारे हर दुकानों में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, और अगर हमें कहीं से भी कोई शिकायत आती है, पहली बात तो ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि हमारी परिवर्तन की टीमें लगातार घूमती रहती हैं, लेकिन अगर ऐसा होता है उस जो सीसीटीवी कैमरे हैं अगर कोई पकड़ में आता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई विभाग करता है। अभी तक ऐसी कोई घटना प्रदेश में नहीं हुई है। अभय जी, एक दिन कोई डेलीगेशन भेज दीजिए, किसी भी दिन शनिवार को या शुक्रवार को डेलीगेशन भेज दीजिए अब विधानसभा से, और जा करके देख ले वहां कितनी उम्र के बच्चों को शराब परोसी जा रही है, पिलाई जा रही है। सिर्फ एक ही जगह भेज दे। प्रश्न संख्या 8, डॉक्टर संग्राम सिंह यादव। मान्यवर, हम आपके आभारी हैं, या सबसे महत्वपूर्ण सवाल पर हमें प्रश्न पूछने का आपने अवसर दिया। मान्यवर, भारत की सच्चाई है जाति व्यवस्था,